चलिए आज स्वादिष्ट लाइव ढोकला हम घर पे बनाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे जो आटा लिया है उसके अंदर तीन तरह की दाल है, उड़द दाल है, चना दाल है और मूंग दाल है और चावल है। चावल अगर दो कटोरी ले रहे हो तो एक कटोरी इसके अंदर चना दाल लेनी है और उसका आधा मूंग दाल और उड़द दाल लेना है। मूंग दाल जो है ना वो ढोकले का स्वाद और बढ़ाती है और उड़द दाल जो है ना वो उसको मुलायम बनाती है। साथ में इसके अंदर पोहे भी डाले जाते हैं जिससे कि ये एकदम ही सॉफ्ट बनते हैं, स्पॉन्जी बनते हैं। और ये जो आटा है उसे छाछ से भिगोया जाता है। इसको फर्मेंट होने के लिए ना एक वार्म प्लेस पे हमें रखना होता है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको प्रेशर कुकर में भी डाल के रख सकते हैं या फिर आप इसको है ना एक भगोने में लेके इसको ओवन के अंदर रख दीजिएगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर गर्म रहता है तो बहुत ही अच्छे से राइज आ जाएगा इसमें। अब इसको फर्मेंट होने में यानी कि आधा आने में दोनों सर्दियों और गर्मियों दोनों में अलग टाइम लगता है। गर्मियों में ये जल्दी फर्मेंट हो जाता है और सर्दियों में इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी मैंने इसे 10-11 घंटे के लिए भिगोकर रखा था और आप देख सकते हैं एकदम बहुत ही अच्छे से जालियाँ होने लगी है इसके अंदर, यानी कि बहुत ही अच्छा इसके अंदर फर्मेंटेशन हो गया है, आटा बहुत अच्छा आ चुका है। अब इसे एक बार के लिए मिला लेना है और यह ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको कल बनाने हो तो आज इसको भिगोकर ज़रूर रख देना। और अब इसके अंदर मसाले करने हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, तो नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार डालेगा क्योंकि फिर ज़्यादा नमक भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और ज़्यादा नमक गिर जाए तो हमें स्वाद भी अच्छा नहीं आता है। फिर हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट है। अब इसके अंदर हम मिर्ची का पेस्ट भी ऐड करेंगे, तो मिर्ची भी आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल दीजिएगा और कम पसंद हो तो कम डालिएगा। और यहाँ पे हमने धनिया ऐड किया है तो खूब सारा हरा धनिया इसके अंदर डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। आप लोग ना धनिया ज़रूर खाया कीजिए क्योंकि सर्दियों में ना ये ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर आते हैं और वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 छोटा चम्मच हींग का। और अब ना ये सब कुछ हमें अच्छे से मिला लेना है। ये हमारा बैटर जो है वो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है, बस इसे फर्मेंट होने में टाइम लगता है। बाकी ढोकले जो है वो एकदम फूले फूले बनेंगे, एकदम स्पॉन्जी बनेंगे। अब हमने इसे मिला लिया है। अब लास्ट स्टेप इसका ये है कि इसके अंदर हम इनो ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास इनो ना हो तो। हमने यहाँ पर इनो ऐड किया है, 1 पैकेट जो होता है ना वो ऐड कर देना है। इसके ऊपर ना इसे थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए वाटर ऐड करेंगे यानी पानी ऐड करना है। और फिर इसे इतना अच्छे से मिलाइएगा कि इसके अंदर ना एक बहुत ही अच्छा सा फ्लफीनेस आ जाए। आटा जो है ना, मतलब हमारा जो बैटर जो है वो फूल जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे ढोकले जो है वो फूले फूले से बहुत ही अच्छे बनेंगे और एकदम स्पॉन्ज जैसे सॉफ्ट बनेंगे। पर एक बार इनो डाल दिए उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से इसको फास्ट फास्ट घुमा लेना है। और यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख दी है, उसके अंदर पानी ऐड करके इसके अंदर एक छलनी रख दी है जिसके ऊपर हम प्लेट रखेंगे। और इसमें होल्स होंगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि होल्स में से ना उसकी जो भाप आएगी ना उससे हमारे ढोकले अच्छे से पकेंगे। अब एक थाली ले लिए है, उसे हमें ग्रीस कर लेना है। आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और फिर इसे रख देना है हमें कढ़ाई के अंदर और उसके ऊपर फिर बैटर ऐड कर देंगे। तो अगर आपको पतले ढोकले पसंद हो तो पतले भी रखिएगा और अगर आपको मोटे पसंद हो तो आप मोटा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पतले वाले बना कर के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप ढोकले बनाएंगे तो जैसे हम बाहर लाइव ढोकले खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही घर में भी बन करके रेडी हो जाएंगे। अब एक बार आपने बैटर ऐड कर दिया, फिर उसके ऊपर हम यहाँ पर मिर्ची पाउडर ऐड कर रहे हैं। तीखी मिर्ची है वो आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा ना खाते हो तो वो प्रेफर कर लीजिएगा। और मिर्ची लगाने से ना, ऊपर से डालने से इसका एक बहुत ही अच्छा लुक भी आ जाता है, जैसे इसे गार्निश किया हो ना बिल्कुल वैसा लगता है। अब क्या करेंगे हम, इसका स्वाद थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं गरम मसाला। तो ये वाला टेक्निक एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गरम मसाले से ना इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और ऑथेंटिक टेस्ट आता है एकदम। तो जिस तरह से हमने मिर्ची छिड़की ना, उसी तरह से हमें गरम मसाला भी इसके ऊपर छिड़क देना है। और इसे पकने के लिए हमें 5 मिनट के लिए ढक कर के रख देना है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे पकने के लिए क्योंकि हमने पतला लेयर बनाया है। तो 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारे ढोकले जो है वो पक चुकी है। और अब क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे हम पानी से बाहर। और जब दूसरी बार रखें ना तो पानी चेक कर लीजिएगा भगोने में कि इनफ है या नहीं, अगर ना हो तो आप थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं।
और अब इसके ऊपर हम कट्स लगा देंगे। ढोकले आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं, आपको जिस शेप में पसंद हो, डायमंड शेप या फिर स्क्वायर शेप, आप उस तरह से कट कर लीजिए। हमने यहाँ पर पे सारे ढोकले जो है वो कट करके रेडी कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इन्हें सर्व कर लेंगे। तो मैं आपको ये वाले ढोकले भी सर्व करके दिखा रही हूँ और आगे एक और चीज़ दिखाती हूँ, कैसे हमारे यहाँ पर ढोकले खाए जाते हैं वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ऊपर से जो हमने मिर्ची डाली ना, उससे ये कितने सुंदर दिख रहे हैं हमारे ढोकले। तो ये रेडी है हमारे स्टीम ढोकला, और इसके ऊपर अब थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, क्योंकि ढोकले ऑयल के बिना तो बिल्कुल ही सूखे लगते हैं, और अगर ऑयल के साथ खाए ना तो एकदम फटाक से गले से उतर भी जाते हैं। वो बिना ऑयल के जो होते हैं ना, वो गले में अटक से जाते हैं थोड़े। तो आप लोग ऑयल ज़रूर डालिएगा। और ये देखिए हमारे ढोकले कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। तो अब आपको एक और नई टेक्निक दिखाती हूँ, हमारे यहाँ पे किस तरह से ढोकले खाए जाते हैं। इसके अंदर तड़का लगाकर खाया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा पतीला लिया है, उसके अंदर ऑयल डाल देना है। ऑयल हम यहाँ पर 4 से 5 चम्मच जितना ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सारे ढोकले हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं और इन सभी को अभी हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने राई ऐड करी है, 1 चम्मच जितनी राई ऐड करनी है, और तिल ऐड करने हैं, जो सफ़ेद तिल आते हैं ना वो ऐड करेंगे, वो थोड़े से ज़्यादा मात्रा में ऐड करने हैं यहाँ पे। तो 2 से 3 चम्मच जितने सफ़ेद तिल यहाँ पे हमने ऐड किए हैं। इससे क्या होता है, स्वाद भी अच्छा आता है, और ये जो तड़का है ना, मेनली तिल का लगता है। और साथ में छोटे चम्मच हींग ऐड कर दी है। अब तिल जो है ना, वो फटने शुरू हो जाते हैं, तो जल्दी से सब कुछ ऐड कर देना, और ये जो ढोकले हैं वो भी फटाफट से ऐड कर दीजिएगा, वरना तिल उड़ेंगे ना तो चटका लग जाएगा फिर। और ये सारे ढोकले हमने ऐड कर दिए हैं, और अब इन्हें अच्छे से मिला लेना है, और सारी तरफ से ये क्रिस्पी हो जाए ना तब तक हम इसे पकाएंगे। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस इस तरह से आप मिलाते जाएंगे ना तो हर तरफ से ये कोट हो जाएंगे तिल ड्राई से, और ऑयल भी थोड़ा सा इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये हमारे ढोकले जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं, यानी कि सारे हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, सबके ऊपर कोटिंग अच्छे से आ चुकी है। अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। तो हमारे घर पे ना मोस्टली इसी तरह से ढोकले खाए जाते हैं, पहले उनको बनाया जाता है, फिर थोड़े से अगर टेस्ट करने हो तो स्टीम ढोकले टेस्ट कर लीजिए, और फिर हम इसको तड़का लगा करके जनरली खाते हैं। तो ये हमारे तड़का वाले ढोकले जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप देख रहे हैं ना, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हुए हैं। और यहाँ मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हुए हैं, और अगर आप तोड़कर भी देखेंगे तो भी बहुत ही सुंदर इसका टेक्सचर अंदर से आपको दिखेगा, एकदम फूला फूला। तो आप लोग भी इस तरह से ढोकले ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी नई नई रेसिपीज हर रोज़ मिलती रहे, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।